जी अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, ये फ़िटिंग की वीडियो है हमारी। इसमें हमारे पास दो तरह के पंप होते हैं। एक ये सिंगल पंप है जो 6 नोज़ल से 12 नोज़ल्स तक चलाता है, और एक ये डबल पंप है जो 25 नोज़ल्स तक जो है ऑपरेट करता है। ठीक है, इस डबल पंप में ये वाली साइड इसकी आउटलेट की साइड है जहाँ से पानी बाहर निकलना है और नोज़ल्स कनेक्ट होनी है, और ये इनलेट साइड है। इनलेट साइड पे आपको ये एक पाइप मिला होगा 12 mm का। इस 12 mm के पाइप को आपने इनलेट पे अटैच कर लेना है, और इस पाइप का ये वाला जो एंड है इस पे ये फिल्टर अटैच कर लेना है। फिल्टर अटैच करने का तरीका बड़ा आसान है, इसको प्रेस करेंगे और खींचेंगे तो ये लॉक हो गए। अब इस फिल्टर को आप किसी भी ड्रम में या कंटेनर में डाल दें, ये पंप इस फिल्टर में से पानी लेता रहेगा और आउट पे पानी जो है वो देता रहेगा। अब आउट के साथ ये आपको एक कनेक्टर होगा, इस कनेक्टर के साथ आपने ये 6 mm का पाइप है जो आपको 30 फीट, 50 फीट या 100 फीट लेंथ में मिलेगा। इसको आपने कनेक्ट करना है इस कनेक्टर के साथ। इसमें वही तरीका है, प्रेस करें और खींचेंगे तो ये लॉक हो गए। ठीक है, अब यहाँ पे आपने इस पाइप को अगर फॉर एग्जांपल 10 फीट हाइट पे जाएगा आपका, तो 10 फीट लेंथ का ये पाइप आपको चला गया। फिर 10 फीट के बाद आपकी यहाँ पे एक नोज़ल लगनी है। ये हमारे पास नोज़ल्स हैं और ये इसके टी कनेक्टर्स हैं। नोज़ल की फिटिंग बड़ी आसान है, इसमें भी आपने ये नोज़ल को प्रेस करना है और ये नोज़ल इसमें फिट हो गई है। ठीक है, अब इस पाइप के साथ आपने ये नोज़ल अटैच करनी है। ठीक है, और इससे आगे फिर नेक्स्ट पाइप आपने अटैच करना है। ये आपकी एक नोज़ल अटैच हो गई है, इससे आगे एज इट इज़ आपने ये दूसरी टी लगा के ये दूसरी नोज़ल यहाँ पे अटैच कर लेनी है। एज इट इज़ आप नोज़ल्स अटैच करते जाएंगे, 12, 20, 25, 30 या 50 जो भी आपको सिस्टम मिलता है, ये सारी नोज़ल्स आप लाइन वाइज अटैच करते जाएंगे और हैंग कर लेंगे। ठीक है, जो आखिरी आपकी नोज़ल होती है जहाँ पे पाइप ने ख़त्म होना है, उसमें आपने क्या करना है, ये पाइप जोड़ दिया। फॉर एग्ज़ाम्पल ये आपकी 25वीं नोज़ल है या 6ठी नोज़ल है या 20वीं नोज़ल है, ये एक एल्बो दी गई है आपको। आखिरी नोज़ल पे ये एल्बो अटैच करनी है और इस एल्बो के अंदर आपने ये नोज़ल लगा लेनी है। ठीक है, ये आपकी आखिरी नोज़ल होगी क्योंकि इससे आगे पानी नहीं जाना। एज़ इट इज़ ये आपकी पूरी लेंथ रेडी हो जाएगी, 6 नोज़ल्स की या 12 नोज़ल्स की या 25 नोज़ल्स की। ठीक है, और इसको आप हैंग कर लें जहाँ पर भी आपने मिस्टिंग करनी है। ठीक है, और ये इसकी सप्लाई है जहाँ से इसको अटैच किया हुआ है। ठीक है, इस सप्लाई से ये पंप जो है वो ऑपरेट होगा। अब आ जाए सिंगल पंप में। सिंगल पंप में भी वही तरीका है, सिंगल पंप में थोड़ा डिफरेंस ये है कि इसका ये ब्लैक वाला पाइप नहीं आता जो डबल पंप था, इसमें आपने इसी पाइप का एक टुकड़ा काट के ये आउटलेट पे अटैच कर लेना है। ठीक है, और इस वाली साइड पे इसी तरह का आपका इनलेट जो है वो अटैच हो जाएगा, जिसके साथ फिल्टर लगेगा। एक चीज़ का ख्याल रखना है, लेफ़्ट साइड इनलेट है और राइट साइड आपकी आउट है। ठीक है, अब ये आउट पे जो आपका ये पाइप था इसके साथ ये एक रिड्यूसर अटैच करना है आपने, इसको भी प्रेस किया, खींचेंगे तो ये लॉक हो जाएगा। ठीक है, अब इससे आगे आपका 6 mm का पाइप जो नोज़ल्स आपने फिट की थी जो यहाँ पे था, इस पाइप को आपने अटैच करना है। ठीक है, और ये सारी नोज़ल्स आपने एज इट इज़ कनेक्ट कर लेनी, और इसको भी जो सप्लाई दी जाएगी आप लोगों को सप्लाई के साथ अटैच कर देना है। इस पाइप को आपने ड्रिप कर देना है ड्रम में या टैप के साथ, अगर आपने अटैच करना है तो फिल्टर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, डायरेक्ट इसको टैप में लगा लें। ठीक है, तो एज़ इट इज़ आप अपनी फिटिंग्स जो हैं वो इसकी कंप्लीट कर सकते हैं। ये बाकी हमारे पास कुछ नोज़ल्स और फिटिंग्स अवेलेबल हैं, पाइप हमारे पास इस फॉर्म में आता है, तो आप अपनी फिटिंग्स जो हैं वो इस तरीके से कंप्लीट कर सकते हैं। अगर आप डिफ़िकल्ट लगे आप लोगों को तो आप लोग हमें भी बता सकते हैं, हम फिटिंग्स करके कंप्लीट फिर आपको डिस्पैच भी कर देंगे ऑर्डर्स।